ये दे, अभी भी उसी का कॉल है। यार कुछ बोल की नहीं रहे तुम। हाँ कौन, पुलिस को कॉल करूँ क्या? सो हाई गाइज, वेलकम टू आवर व्लॉग चैनल। सो गाइज, अभी का सीन ये है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले सोकर उठा था। एंड गाइज, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि मैंने कल फ़ोन छीन लिया था किंजल का। सो गाइज, सीन कुछ ऐसा रह रहा है कि देखो, पूरे दिन ये तो मतलब सो ही रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, और घर पर ये कल से ही इसका मूड ऐसा बन रखा है कि सो ही रही है, तब से उठ ही नहीं रही है, घर का कोई भी काम नहीं कर रही है। मम्मी ने सारा काम कराया घर का आज, मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। लेकिन अब देखो, ये चीज़ गलती है, गलत है, मैंने इसका फ़ोन छीन लिया क्योंकि इसको बात करने का मौका मिल नहीं रहा है, ना फ़ोन चलाने का मिल रहा है। तो सोच रही है अब करूँ तो करूँ क्या, इसीलिए ना कुछ कर रही है काम, ना कुछ भी कर रही है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है घर में। सो गाइस, यहाँ पर फिर मम्मी अकेले यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी, आप देख सकते हो। और फिर मैं यहाँ से अंदर गया, और अंदर जाके आप देखो, ये यहाँ पर आराम से महारानी साहिबा सो रही हैं। और गाइज, अभी का टाइम पता कितना हो रहा है, 12:30 होगा, और ये अभी तक अच्छे से सो रही है। तो मैंने डिस्टर्ब फिर नहीं किया, और वहाँ पे पापा पूजा कर रहे हैं। गाइज, एक चीज़ और दिखानी थी आप लोगों को, कल से मेरे पास फ़ोन है किंजल का, ठीक है। और देखो, पता नहीं, देखो ये देखो, उस बंदे के कितने सारे मिस कॉल आ रखे हैं, मिस कॉल ही मिस कॉल है, तब से आ रखा है। देखो ये देखो, ये पूरे 11 मिस कॉल्स हैं इस बंदे के। और भाई साहब, पता नहीं मतलब उसको ये पता है कि फ़ोन कोई उठा नहीं रहा, तो उसको कॉल पे कॉल करे जा रहा है, ठीक है। और एक दो बार कॉल उठाया तो मेरी जैसी आवाज़ लग सुनता है, वैसी फ़ोन काट देता है। तभी समझ में आएगा कि आखिर ये किससे पंगा ले रहा है, किससे नहीं। और गाइस, अभी का सीन यही है कि किंजल पता नहीं अभी रेडी हो रही है, और कहाँ जा रही है मुझे नहीं पता, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, चुपचाप आप भी देना, देखते क्या है क्या नहीं। कहाँ जा रही है तुमसे मतलब? तो रेडी वेडी हो रही है, तो ऐसा लग रहा कहीं जा रही है। हाँ तो कहीं जा रही हूँ, तभी रेडी हो रही हूँ। कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हूँ। और तेरे जो बॉयफ्रेंड है ना, उसका बहुत सारे मिस कॉल आ चुके हैं, 11, 20, 15। तो तुम उठा लो। मैं क्यों उठाऊँ? तो मत उठाओ, तो मेरा फोन दे दो, मेरे को बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे? मेरा बॉयफ्रेंड मत बोलो। मैं तो वही बोलूंगा, कम से कम तेरे 15 मिस कॉल पड़े हुए थे, और मैं जब भी कॉल उठा रहा हूँ तो फोन काट दे रहा है। तो वो मेरी गलती नहीं है ना, अब मुझे क्या पता कौन है वो। तो इतना डरता है क्या वो मेरे से? इतना तुमसे डरेगा क्या? और नहीं तो क्या, तभी तो फोन जैसे मैं उठा रहा हूँ। मुझे नहीं पता पहली बात वो कौन है, ठीक है। और दूसरी बात मैं बता दूँ, दूसरी बात, तुझे कहीं जाना नहीं है, रेडियो में घर में बैठे फोन मेरे पास। मैं जाऊंगी, तुम कुछ भी कर लो, मेरी लाइफ। तू कुछ नहीं करने वाली, मैं कर लूंगी, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। रह अंदर, अब अंदर ही रहेगी तू, शोर मत मचा, अंदर गेट बंद रहे बस। बंद ही रहेगा गेट, अब ऐसे ही रहे। शोर मत मचा, शोर नहीं मचाओ, वही तो गेट बंद रहेगा। सो गाइस, देखिए अभी का सीन ये है कि अभी मैंने उसको बंद तो कर रखा है, पता नहीं कहाँ जा रही थी, कहाँ नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उसको अंदर ही रूम में बंद कर दिया। और गाइस, उसके फ़ोन में ना आपको दिखाता हूँ, उस बंदे के मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं। देखो ये देखो गाइस, पढ़ो, हेलो कहाँ हो, फोन देखो, ये अभी भी उसी का कॉल है। हाँ कौन, पुलिस को कॉल करूँ क्या? कॉल करना बंद करेगा या नहीं करेगा, बोल। हेलो, यही हो रहा है तब से, इसने पता नहीं कितनी बार मेरे को कॉल करा होगा, जब भी मैं पिक कर रहा हूँ ना तो एक फ़ोन कट कर दे रहा है। और अब मुझे यही लग रहा है कि मुझे कंप्लेन करनी चाहिए, लेकिन मैंने कुछ और सोचा है। अभी तो फ़ोन मैं किंजल का दे नहीं रहा हूँ, लेकिन जो भी अब आपको एक नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी, कुछ सोचा है मैंने, इसलिए मैं ब्लॉग बना नहीं रहा हूँ। जो भी है मैं आपको अपडेट दे दूंगा,